गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ देवी बिस्ता सिक्किम से और आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सुबह का काम तो किया है, लेकिन इतने जल्दी जल्दी में करना पड़ा सुबह का काम, लेकिन आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि आज मंडे है। मंडे इनको रोल कॉल में जाना होता है, तो अभी से आज से इनका ड्यूटी भी स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों ने क्वारंटाइन भी ख़त्म कर लिया है 17 डेज पूरा, और हम लोग अभी एकदम बिल्कुल फाइन है, परफेक्ट है। सो फ्रेंड्स, इसलिए सुबह मुझे जल्दी उठ के खाना वाना बना के इनको भेजना पड़ा। उसके बाद दिन में ये सोए थे, यहाँ पे देख सकते हो आप मेरा बिस्तर। सुबह मैंने ठीक किया था, लेकिन दिन भर यहाँ पे सोए थे और अभी 5 बजे से इनका ड्यूटी था तो ये चले गए हैं, और खाना खाने के लिए आएंगे 8-9 बजे। उसके बाद कल सुबह 9:30 या तो फिर 10 बजे के आसपास आ जाएंगे ड्यूटी से। सो फ्रेंड्स, यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अरे बाप रे, इतना सर में खुजली हो रहा है, खुजली जुए हुए तो नहीं हुआ है छी। सो चलिए फिर, मेरा आज आप लोगों के साथ मेरा इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं बेड को सही करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ये सोए थे तो आपको मैंने बताया, क्योंकि इनका ड्यूटी था रात को, तो दिन में थोड़ा सा रेस्ट करके जाएंगे ना ड्यूटी, उसके बाद ये ऐसे उठ के चले गए थे, तो यहाँ पे मैं मेरा बेड को सही करूँगी। ये है बर्तन, मैंने धो के दिन में रख दिया था, दिन में नहीं सुबह का बर्तन है, धो के रख दिया था ताकि अच्छे से पानी नीचे हो जाए और बर्तन सूख जाए, इसलिए मैं अभी यहाँ पे मेरा बर्तन को रख रही हूँ। यहाँ पे मेरा दूध आ गया था, तो अभी दूध को गर्म करूँगी पहले, खाना बनाने से पहले। आज जल्दी, थोड़ा जल्दी आ गया था। बोतल में पानी भर के रखूँगी क्योंकि रात को पीने के लिए चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए, मैं रात को नहीं पीती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड पीते हैं तो उनके लिए भर के रख दूँगी। और टीवी देखते देखते मैं सब्जी भी काट लूँगी क्योंकि मेरा सीरियल भी आता है ना, तो स्टार प्लस में। यहाँ पे देखिए, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, ये सब्जी का नाम मुझे नहीं पता, क्या बोलते हो, हमारे नेपाली लैंग्वेज में तो इसको चटेला बोलते हैं, आप लोग देख के पता लगाना, और अगर आपको पता है इसका नाम तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। अभी मैं स्वीटी को दूध दे रही हूँ क्योंकि ये स्वीटी दूध मांग रही थी, बार बार म्यू म्यू कर रही थी। थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगी क्योंकि गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा था मेरा। ये कुकर में थोड़ा सा चावल बच गया था तो ये फ्लॉपी के लिए काम आएगा, फ्लॉपी को दूंगी, तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ चावल। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैं कढ़ाई रख दी हूँ और थोड़ा सा तेल ऐड कर दूंगी इसमें मैं, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा चटकाया है और सूखी मिर्ची चटकाया है, उसके बाद कुछ नहीं। थोड़ा सा कटा हुआ प्याज मैंने डाल दिया था, उसके बाद यहाँ पे डाल रही हूँ सब्जी और इसको चलाऊंगी धीरे धीरे करके, और यहाँ पे नमक और हल्दी डाल दूंगी, उसके बाद मसाला वसाला कुछ भी नहीं डालूंगी मैं यहाँ पे, सिंपल सा बढ़िया सा सब्जी बनाऊंगी। सोचा तो था ये लहसुन भी नहीं डालूंगी, फिर मेरा मन बदल गया और मैंने लहसुन भी कूट कर डाल दिया।
सब्जी मेरा हाफ पक चुका था, उसके बाद मैंने आधा टमाटर और यहाँ पे चीज़ दोनों को मिक्स करके डाल दिया है। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार बनेगा। देखिए मेरा गर्मा गर्म सब्जी बन के रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें। तो गाइस मेरा सब्जी बन गया है और मैंने चावल को वहाँ पे चढ़ा दिया है। वैसे हम लोग रेगुलर खाना हमारा मतलब रेगुलर खाना वही चावल दाल चावल सब्जी वही बना के खाते हैं। रोटियाँ अच्छी नहीं लगती है, मुझे भी पसंद नहीं है। इनको भी इनको तो थोड़ा बहुत पसंद है घी डाल के, लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद। जो मुझे नहीं पसंद मैं बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती, तो दाल नहीं बनाऊंगी। और सुबह का थोड़ा सा सब्जी भी बचा हुआ है और अचार भी बचा हुआ है चटनी टमाटर वाला, और दाल नहीं बनाऊंगी क्योंकि दही है उसको मैं छाछ बोलते हैं ना, छाछ बना के उसको जीरा वीरा चटका के बनाऊंगी। तो वही हमारा आज का डिनर होगा। तो अभी तो रात के 8:30 बज चुका है। पता नहीं ये कब आएंगे मुझे नहीं पता, फोन करके पूछना पड़ेगा। उसके बाद खाना वाना खा के थोड़ी देर टीवी देखूंगी, उसके बाद सो जाऊंगी, है ना। तो बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। अब आता है छाछ को बनाने। मोई बोलते हैं इसको हम, सोल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीरा चटकाया और थोड़ा सा मैं सूखी मिर्च भी डाल दूंगी, और जीरा और वो अजवाइन चटकाया था। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आता है और बहुत बढ़िया लगता है छाछ में, सोल्डर में। तो अभी देखो इतना मेहनत से खाना बनाया और खाना खाने के लिए अकेले बैठ गई हूँ, क्योंकि इनकी नाइट ड्यूटी है। तो नाइट ड्यूटी में कहाँ कहाँ जाना होता है, क्या होता है, कहीं अर्जेंट काम से जाना होता है, तो ये टाइम से नहीं आए थे। इन्होंने बोला कि तुम खा लो, मैं बाद में आके खा लूँगा। तो मैंने सोचा कि टीवी भी देखूँगी और खाना भी खाऊँगी, तो मैं यहाँ पे अपने बेडरूम में आकर बेड में बैठ के अपना खाना अपना डिनर इन्जॉय कर रही हूँ। खाना हो गया था मेरा, तो यहाँ पे मैं गैस को साफ़ कर दूंगी और ये चावल वावल ऐसे ही रख दूंगी, जब ये आएंगे तो गर्म करके दे दूँ। अब मैं यहाँ पे झाड़ू करूँगी, पोछा नहीं करूँगी। रात को मैं पोछा नहीं करती हूँ, दिन में ही करती हूँ जो भी काम होता है मेरा। तो यहाँ पे मैं झाड़ू करके फिर आराम से सो जाऊँगी। और ये वाला छोटा सा मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स और गुड नाइट सभी को।